So in this question, if equivalent capacitance between point A and B be 3 microfarad, then find the value of C. तो बच्चों देखिए ये सर्किट है जिस सर्किट में आपके 6 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड और हमें कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर का गिवन है. सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी सी एंड सी फॉर दिस एंड टू सी एंड टू सी फॉर दिस 3 कैपेसिटर्स. तो हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. तो बच्चों इस सर्किट को केयरफुली देखिए, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर और ये सेकंड कैपेसिटर है ये दोनों आपके पैरेलल में हैं. तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो हमने माना लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कैपेसिटर बी सी वन. सो सी वन इक्वल टू सी प्लस सी दैट इक्वल टू टू सी. अब बच्चों इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C है, जो कि कैपेसिटर थर्ड के साथ में जिसका कि कैपेसिटेंस 2C है सीरीज में जुड़े हैं. सो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, दिस इज द कैपेसिटेंस इज C1 एंड 2C बी C2. तो बच्चों ये वाला कैपेसिटर और ये जो सिस्टम है कैपेसिटर का दोनों का, ये आपके सीरीज में जुड़े हैं और हमने इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस यानी जहाँ से जहाँ तक के सिस्टम की कैपेसिटेंस हमने C2 कंसीडर की है. सो वन अपॉन C2 इक्वल टू वन अपॉन टू सी प्लस कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटर यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटर दैट इज द टू सी. सो दिस इज द वन अपॉन टू सी. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज द C. तो बच्चों अब ये इक्विवेलेंट सिस्टम कुछ इस तरह से होगा, यानी कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम यानी कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 कैपेसिटर भी C2 जिसकी वैल्यू C है और इस फोर्थ कैपेसिटर के साथ में पैरेलल में जुड़ा है. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 2 कैपेसिटर, सो लेट इट बी C3 that equal to C2 plus C. So this is the C plus C that equal to 2C. अब बच्चों इसके equivalent circuit कुछ इस तरह से होगा, यानी ये दो जो capacitor आपके parallel में जुड़े थे इनकी capacitance C3 consider की है जो कि C2 के equal है और ये C2 यानी ये C3 capacitor कैपेसिटेंस है कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर ट्वाइस ऑफ C कैपेसिटर कैपेसिटेंस है कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हैं और उसके साथ में आपका ये 2C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा है. सो कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू कैपेसिटर दैट इक्वल टू वन अपॉन टू सी प्लस वन अपॉन टू सी. कंसिडर किया कि ये C4 के बराबर है तो C4. So from here this C4 equal to C. Now with this capacitor of capacitance C, this 2C capacitance capacitor is connected in parallel. So equivalent capacitance between A and B, so this is the C plus 2C that equal to 3C. And in the question, 3C, the capacitance between the point A and B is given 3 microfarad. So 3C equal to 3 microfarad. So from here, C equal to 1 microfarad. So this is your answer.